कौन सा डायलॉग है इसमें? इज दैट हां I have no idea. We just say normal dialogues. Like, swagat nahi karoge aap hamare, it's not a dialogue. It's that, please welcome me. But that became a hit. And this has not happened from my time. It happened from my father's time. So, like, whenever my father wrote a dialogue, that became an hit. I mean, for example, kitne aadmi the? It's not a dialogue. It's, yeah, he's asking ki kitne aadmi the. So that became a hit dialogue. Aryo Samba. So it was not a dialogue, he's calling out to Samba. But they've all become iconic dialogues, you know. So I don't know what the fans pick up, what they like. We just do whatever is there in the film, ekdam sincerely. Jo bhi lines hain, jo improvise karte hain, etc. Wo screenplay ke hisab se hota hai. Phir wahan se fans kya, bachche log kya uthate hain, wo we don't know. Aisa nahi ke ek dalenge, isko hammer karenge, you know. ऐसा कुछ नहीं होता है that is not planned at all no I don't think any punchlines deliberately which are being hammered or वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा trend हो रहा है क्योंकि लेकिन ये thought ही बहुत सुंदर है कि अगर आपको किसी चीज़ पे यकीन है और अगर आप उसको दिल से चाहते हो और अगर वो एक सच्ची चीज़ है तो वो वो आपसे अचीव हो सकती है सो आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फेथ इट्स व्हाट अ स्टेटमेंट इज दैट इफ यू हैव फेथ यू कैन मूव माउंटेंस सो वही फिल्म का जो बेस है और जो ट्रेलर्स में आपको दिखाई दे रहा है सो आई सपोज दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थॉट और वही लोगों को पसंद आ रहा है First of all, I think everyone should just believe in themselves. That's before believing in anything else. You have to believe that what is your capacity and what you're capable of doing. So, believing in yourself is, I think, Yeah, basically, you know, you should believe that you can, you know, take your level higher each day, each moment. That is the only one thing that one should. की होगी पता नहीं बट जिस दिन वो स्क्रिप्ट मैंने सुना तो ऐसा होता है कि यू नो आप जब आप एक स्क्रिप्ट सुनते हो तो अगर आप उस स्क्रिप्ट में अपने आप को नहीं देख पाते तो आइडियल चीज़ यह है कि नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल द स्क्रिप्ट इज यू शुड नॉट डू इट और देन यू हैव टू वर्क दैट मच हार्ड यू नो टू सी टू विजुअली सी योर सेल्फ इन दैट मूवी सो एवरी फिल्म दैट आई हैव डन is jab mere paas ek koi script aati hai and if I like it first when the narration happens I need to see myself doing it jab tak ki I don't see myself doing it I don't sign a movie to iske andar ek jab ye kabir ne mujhe sunana shuru kiya hai is film ke andar maine dheere dheere apne aap ko dekhna shuru kiya भाई हैं बेशुमार मोहब्बत है दोनों भाइयों के बीच में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एक भाई बड़ा है जो कि ट्यूबलाइट है एक छोटा भाई है जो कि समझदार है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उसकी ये सिमिलैरिटीज़ हैं हाँ जब कबीर ने हमें कहानी सुनाई तो उसने यही कहा कि अगर मैं किसी और एक्टर को लेता तो ये भाइयों का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे वक्त लग जाता लेकिन सलमान और सोहेल को लेने से ये एडवांटेज होता है कि आप पहली फ्रेम से ये दिखा सकते हैं कि ये भाई है तो इसलिए उसने इस्टेब्लिश करने को उसने थोड़ा टाइम नहीं वेस्ट किया इस फिल्म को आगे बढ़ाना था इस फिल्म में बहुत से लेयर्स है भाइयों का प्यार है देश के लिए प्यार है थोड़ा सा जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट है वो है
एक बहुत प्योर लव स्टोरी जो है जो सलमान भाई और सुजू की है, फिर जो बेटे जो मार्टिन का जो कैरेक्टर है, तो इसमें बहुत सारे लेयर्स है, तो ये हैड टू कम टू द पॉइंट। फिल्म तो है सिर्फ 2 घंटे 15 मिनट की या 20 मिनट की, तो ये सब चीज़ अचीव करना एक डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्या सिर्फ इतने वक्त में ये सब लेयर्स को जस्टिफाई करना। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द क्राइटीरियाज दैट अगर ये दो रियल लाइफ के अगर दोनों भाइयों को ले लें तो एटलीस्ट उसमें इनको ज़्यादा टाइम नहीं इस्टेब्लिश करना पड़ेगा टू इस्टेब्लिश द लव इन बॉन्ड। So as a director, now since Arbaz doesn't want to direct, okay, so I would say that Sohail is a better director because he's more patient. Okay, Sohail ke saath aap improvise kar sakte ho, lekin Arbaz panic ho jata hai. Arbaz ka BP upar niche hona shuru ho jata hai. So now this time we're going to start Dabang 3. This is very good, but I am not going to direct it, I'll produce it. So I said, very good. We'll find a good director for that. See, we all want our movies to do well, okay? So we all want our movies to break records, and then somebody else's movie should come and break ours, and we should break theirs again. So this is how the industry will grow. But agar aisa kuch feedback aa jata hai ke it's thoda sa mixed report hai, then we pray, कि कम से कम नुकसान हो। पहले तो ये चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा फायदा हो और फिर कि कम से कम फ्लॉप हो, दैट इज ताकि कोई इसमें पैसे हारे नहीं। पहले हिंदी को तो रिलीज़ होने दे भाई, कहाँ कहाँ चाइना पहुँच गए तुम, चीन पहुँच गए यार। पहले हिंदी का देखेंगे फ्यूचर, अभी 23 को रिलीज़ है, एंड इफ आर ऑडियंसेस लाइक द फिल्म, हंसते हैं, इन्जॉय करते हैं, रोते हैं साथ में, यू नो, जुड़ जाते हैं फिल्म से, कनेक्ट हो जाते हैं फिल्म से और फिर जाके रिपीट देखते हैं, देन वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट। देन चाइना क्या, फिर किधर भी रिलीज़ कर दें। बहुत बुरा लगता होगा कि छी हाईएस्ट पेड एक्टर, छी गुड लुकिंग, छी इसका जवाब देना जरूरी है। हाँ, क्या सवाल था आपका कि कैसा लगता है हाईएस्ट पेड एक्टर? पहले तो ये बात गलत है, ये बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि मुझसे ज़्यादा हाई पेड हैं और उनकी फिल्मों ने मुझसे ज़्यादा बिजनेस किया है, एक तो ये है। बाकी का जो आप बोलते हो कि गुड लुक्स, कभी मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं, ये मेरे माता पिता की देन है, और जो जो फिल्म में जो कर रहा हूँ मैं, उसका जो इमेज है वो मेरे पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। मी ऑन माई ओन जस्ट नॉर्मल, आई थिंक आप मुझसे अच्छे दिख लेते हो, जैसे कि आप कैमरा के पीछे हो, जरा दिखा देना भाई प्लीज, कैमरा घुमा दो, पोज भी मार लिया फटाक से, पोज भी मार लिया, कैमरा घूम गया तो पोज भी मार लेता हूँ यार ये है।
has that aspect been also? No, we've not touched that. We just use this as a backdrop. We've not gone into that. We've just gone into this. Just touched it. Ke jaldi khatam ho jaye taaki hamare jawan hamare paas aa jaye aur unke jawan unke families ke paas jaldi se pahunch jaye. So it's basically that. Ke jab bhi jang hoti hai to dono taraf ke log marte hain. Or phir, you know, their families are without their sons, without their fathers, and they could live their whole lives without them. So matlab aap kisi se bhi pooch lo, anybody, agar aap jang achhi hai ya buri hai, I don't think anyone will say that jung achhi hai. Sab yehi bolenge ki jung ek buri cheez hai aur jab isko you can jo bhi discussions hai, jo bhi conflicts hai, ultimately wo across the table hi solve kiye jaate. So it's a negative emotion. So whenever we've seen anything, it's always been nobody has supported it, but it still happens. Happens a lot. आज आप किसी को ही पूछ लो. I think जो order करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए कि ये लो भाई बंदूक के पकड़ो, पहले आप लड़ो. एक दिन के अंदर बंद हो जाएगा. पैर कांपने शुरू हो जाएंगे, हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे, और सीधे टेबल के ऊपर आके जो भी डिस्कशन है वो हो जाएंगे. Last question. We, for every film, we keep a screening for Shah. Yeah. He watches it at home. Yeah. I don't know if you're going to be invited, but he's definitely going to have a screening. What? Is there anything that you are absolutely obsessed about? That's one. And the other one is one bit of state that you really want to It's a huge responsibility. So, you just need to keep on getting your level higher and higher each coming month, each coming year, each moment. So that is just the biggest responsibility that I have right now. That's the thing that probably... This is not... aap isko fitness mein bhi fit kar sakte ho. Okay, everyone thinks like, you know, okay, fit body and everything. So now I need to get that fitness level higher. It's a huge responsibility. आप इसको कहीं पे भी घुसोड़ दो.